नमस्कार मेरे दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखने जा रहे हैं महाराष्ट्र के टॉप मोस्ट 10 MBA कॉलेजेस। जैसे कि हमें पता है, पिछले कुछ दिनों से हम करियर के बारे में वीडियोस बना रहे हैं और करियर के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं अब तक आप लोगों को दे रहा हूँ। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस कौन से हैं और वहाँ से यहाँ अगर हम MBA करेंगे तो कौन से फ़ायदे हमें मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, अगर हम महाराष्ट्र से MBA करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र में ऐसे कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ से हम MBA करेंगे तो हमें फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे हमें पता है, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे MBA कॉलेजेस हैं। स्पेशली जब हम पुणे की बात करते हैं तो पुणे को महाराष्ट्र का और इंडिया का ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बोला जाता है। और वहाँ से अगर हम MBA करेंगे तो कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से अगर हम MBA करेंगे तो हमें फ़ायदा हो जाएगा, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। मेरे सभी दोस्तों को मेरी एक दरख्वास्त है, अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मेरे एकेडमिक चैनल का नाम है एकेडमिक इनसाइट्स और यहाँ पे मैं बहुत सारे चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो आप सभी दोस्तों को मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करो ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोज़ आगे भी जाके फ्यूचर में मिलते रहेंगे। मेरे से प्यारे सभी दोस्तों को मेरी और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब करना ना और मेरा वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही में ये वीडियो आप सभी दोस्तों को शेयर करो, आपके रिलेटिव्स को शेयर करो ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वीडियोस देखने के बाद कमेंट करना ना भूलिएगा ताकि आपको इसके ताकि हम इसको फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों को मेरी रिक्वेस्ट है, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं महाराष्ट्र के टॉप मोस्ट MBA इंस्टीट्यूट्स जहाँ से हम अगर MBA करेंगे तो हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो देखेंगे हम वो कौन से 10 मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं जो महाराष्ट्र में हैं, अगर वहाँ से हम MBA करेंगे तो हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो देखेंगे हम वो टॉप मोस्ट 10 मैनेजमेंट कॉलेजेस। पहला है जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ जो मुंबई में है, वहाँ से अगर हम MBA करेंगे तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। मुझे आपको एक और बात कि 10 कॉलेजेस के बारे में बोलना है, ये 10 कॉलेजेस जो मैंने रैंकिंग किया है वो रैंकिंग है उनके करिकुलम के हिसाब से, उनके प्लेसमेंट के हिसाब से ये रैंकिंग हुआ है और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो पहला कॉलेज है जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ जो मुंबई में है। दूसरा कॉलेज है SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च जो मुंबई में ही है। तीसरा है नरसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। चौथा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। पांचवा है KJ सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। देन सिडनेहम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है जिसको हम TIS बोलते हैं। उसके बाद है एलन वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। उसके बाद है शैलेश जे मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। और आखिरी कॉलेज है SIES कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। ये टॉप मोस्ट महाराष्ट्र के टॉप मोस्ट 10 मैनेजमेंट कॉलेजेस है जहाँ से हम MBA कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम MBA करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा आपके करियर में, काफ़ी फ़ायदा होगा आपके प्लेसमेंट में। जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला है, ये जो रैंकिंग हुआ है वो रैंकिंग दो चीज़ों के हिसाब से हुआ है। पहली तो ये बात यहाँ पे कंसिडर की गई है, उनका जो पढ़ते हैं और जो वहाँ पे करिकुलम पढ़ाते हैं वो पहला पॉइंट है जिसको हमने कंसिडर किया है वाइल मेकिंग द रैंकिंग। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है वो है वहाँ पे होने वाला प्लेसमेंट, वहाँ पे मिलने वाले जॉब्स। जैसे कि मैंने बोला, प्लेसमेंट तो आजकल बहुत सारे कॉलेजेस में इन कैंपस ही होता है। जैसे ही हम MBA के पार्ट टू में होते हो उसी साल में आपका प्लेसमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो ये है महाराष्ट्र के टॉप मोस्ट 10 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जहाँ से हम MBA करेंगे तो हमें फ़ायदा रहेगा। मुझे लगता है ये जो वीडियो मैंने अभी आपके लिए बनाया है आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर अभी तक भी आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बोला, वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड दोस्तों में और आपके कलीग्स में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कमेंट करना ना भूलिएगा। और मुझे लगता है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और आगे वीडियो में हम देखेंगे अलग कुछ तो अलग करियर। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।